देखो, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज की है कि किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी है, साइन कोसाइन सेकेंट कोसेकेंट कोट की, वो चीज को हमने देखा समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, दो एंगल्स के सम की, दो एंगल्स के सब्ट्रैक्शन की वैल्यू किस तरीके से निकालनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आ रही है, ठीक है, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब जो जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, वो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। बच्चों को जनरली लगता है साइन, अगर मैं पाई बाय सिक्स भी कर रहा हूं तो वो बोलते हैं कि साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय सिक्स, तो ये दो क्वांटिटीज है जो मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसा नहीं है। अगेन, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। बेसिकली इसको ऐसे मान के जाओ कि जो साइन है वो एक मशीन है, ठीक है, जैसे एसी लगा हुआ है यहाँ पे क्लासरूम में, एसी से मशीन, जिसके अंदर इनपुट जाता है, इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट आता है। तो ऐसे ही साइन जो है, ये ब्रैकेट होती है, तो ये होता है साइन, एक मशीन है जिसके अंदर यहां पर जो वैल्यू होती है, ये उस मशीन का इनपुट है। एंड इस जो भी एंगल होगा, यानी कि उस एंगल, जो एंगल है वो इनपुट एक्ट कर रहा है, तो उस एंगल पे जो भी साइन की वैल्यू आएगी वो उसका आउटपुट बन जाएगा, राइट। यहां पर क्या है, ए एंगल अगर मान लो 30 डिग्री है, बी एंगल 45 डिग्री है, तो टोटल एंगल 75 डिग्री बेसिकली साइन के अंदर इनपुट जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ए प्लस साइन बी, बेसिकली मैंने क्या किया, साइन को ए से साइन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि साइन एक मशीन है जिसके अंदर इनपुट ए प्लस बी इकट्ठा जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये चीज समझो, मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस राइट। अच्छा आप देखो जरा, अगर ये 2 sin π/6 है, तो याद रखना ये पाई बाय सिक्स क्या है, इनपुट या आउटपुट? इनपुट इनपुट, राइट। पाई बाय सिक्स क्या है, इनपुट। अब इस इनपुट पे जो साइन का आउटपुट आएगा वो आउटपुट 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 जो है वो इस पूरी चीज के आउटपुट से मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब ये जो 2 है ये बाहर है, ये पाई बाय सिक्स अंदर है, तो अंदर की चीज और बाहर की चीज को कटिंग नहीं कर सकते, मतलब आई कैनॉट कट 2 एंड 6 को 3, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पाई बाय 3 के बराबर हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। तो 2 sin π/6 के अंदर ये 6 की एंड ये 2 की कटिंग नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर हुआ, राइट। जो बाहर है उसको बाहर रखो, जो अंदर है उसको अंदर रखो। अच्छा एक और चीज, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स बाय 2, ये 2 जो है ये अंदर इनपुट से डिवाइड हो रहा है, और यहां पर ये 2 जो है जो साइन एक्स का आउटपुट आएगा ये उससे डिवाइड होगा, तो ये इनपुट से डिवाइड हो रहा है या आउटपुट से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली दोनों चीजें बराबर नहीं होगी, समझ में आया ये चीज, राइट। तो एक पॉइंट ये तुम्हें नोट करना है, ये गलती हो सकती है, ये नहीं करना, एक पॉइंट तुम्हें ये नोट करना है, ठीक है, जिसके अंदर इनपुट और अंदर की चीज और बाहर की चीज की कटिंग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट तुम्हें ये नोट करना है कि ये चीज वैलिड नहीं है, यानी कि साइन इज नॉट मल्टीप्लाइड विद ए एंड बी, तो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कंफर्म हुआ, ये 3 पॉइंट नोटिस हुए, नोट करो, ये तीनों नोट करो, इसको लिखना, हेडिंग दो, पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना। तो ये गलतियां नहीं करनी है, ये तीनों चीजें नोट करो जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आ रहा है मेन चीज, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, सर हाँ जी भाई, साइन 2 थीटा और 2 sin थीटा में क्या डिफरेंस है? देख, 2 sin थीटा एंड sin 2 थीटा, यहां पर इनपुट जो एंगल जाएगा उसका डबल हो रहा है, हाँ या ना, तो यस सर, यहां पे इनपुट डबल हो रहा है, यहां पे साइन थीटा का जो आउटपुट आएगा वो डबल हो रहा है, एक में इनपुट डबल हो रहा है, एक में आउटपुट डबल हो रहा है, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है, ओके सर, उसमें पहले हमें दोनों थीटा बराबर से है, टू को मल्टीप्लाई करके फिर निकालना है। हाँ यस। तो बेसिकली यहां पर क्या चीज है, अगर मैंने 30 डिग्री पुट किया तो एक्चुअली में 60 डिग्री साइन बन जाए, साइन ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का जो भी आउटपुट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ पे इनपुट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनफैक्ट ये sin 2 थीटा का आगे जाके फॉर्मूला आएगा अभी, ठीक है, ओके सर, हाँ जी चले आगे। यस
सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें करना है दैट इज साइन ए प्लस बी। याद रखना जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास आएंगे सारे के सारे, उनमें से एक फॉर्मूला मैं तुम्हें याद करने के लिए बोलूंगा सिर्फ साइन ए प्लस बी। इसके बाद टोटल फॉर्मूलास हमारे पास पता कितने आएंगे? टोटल 28 फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो आएंगे, ये फर्स्ट फॉर्मूलास का, ठीक है? लग जाएगी अगर रट्टा मारोगे तो। मैं सिर्फ एक याद कराऊंगा, उसके बाद जितने बाकी सारे के सारे 27 फॉर्मूलास वो इसी एक फॉर्मूला से आएंगे, ठीक है? लेकिन दिमाग खोल के, ठीक है, करें, शुरू करें। यस सर। इधर ही हो, इधर ही हो, मेरे को रिप्लाई चाहिए, प्लीज बोरिंग नहीं बनाना। यस सर। सबका? यस सर। यस सर। आदित्य? हाँ जी सर। रिप्लाई कर दिया कर। हाँ जी सर, रिप्लाई कर दिया कर। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल, दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इधर प्लस है तो प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल एंड साइन ऑफ सेकंड एंगल। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो जरा, जैसे एग्जांपल मान लो हमें निकालना है साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या स्टैंडर्ड जो टेबल है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें 75 डिग्री की वैल्यू अभी तक नहीं हमें पता, हाँ या ना? Yes, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे। कैन आई राइट 75 डिग्री एज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री? राइट। अब कंसीडर दिस एज ए एंड दिस एज बी, तो क्या बन जाएगा? साइन ए यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल दैट इज कॉस 30 डिग्री प्लस cos of first angle that is cos 45 degree into sin of second angle यानी कि sin 30 degree। क्या बना? sin 45 degree 1 by root 2 into cos 30 degree root 3 by 2 plus cos 45 degree 1 by root 2 into sin 30 degree 1 by 2। तो देखो क्या बना, नीचे 2 root 2, 2 root 2, दोनों का सेम 2 root 2, ऊपर रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, वन इंटू वन वन, दोनों का एडिशन तो रूट थ्री प्लस वन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू। कनाब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा, अब तुम्हें ये नोट करना है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये नोट करना है। And using the same formula, you have to find the value of sine 105 degree. कैसे? Sine 60 degree plus 45 degree करके। ठीक है? ये खुद करना है, ये formula implement करना है। Note करो, शाबाश, जल्दी। करो, करो, करो। तो अब देखो जरा, क्या जाएगा ये? Sine of first angle sine 60 into cos of second angle cos 45 plus cos of first angle 60 and sine of second angle 45. Again, ये क्या आएगा? Root 3 by 2, 1 by root 2 plus 1 by 2, 1 by root 2. So this becomes root 3 plus 1 by 2 root 2. हाँ जी, please confirm करो, clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Right? अब देखो। अब second formula, sine a minus b का। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था? सिर्फ यही फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी सारे फॉर्मूला इधर से आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, प्लीज ध्यान से। तुम सबको याद है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, हाँ या ना? याद है ये चीज? यस सर। राइट। यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉस? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा, राइट। ओके, अब मैं एक स्टूडेंट की हेल्प से ये चीज करता हूं। ठीक है,
लेट से केशव, केशव हाँ जी सर। केशव अब मेरे को ये चीज बता, ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, इसके अंदर मैंने क्या किया, जब मैंने ये निकालना था साइन लेट से 60 + 45, तो मैंने क्या किया, इधर ए की जगह क्या पुट कर दिया 60 एंड बी की जगह क्या पुट कर दिया 45, हाँ है ना। That means, अगर मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम वैल्यू पुट करूंगा ए और बी की, तो जो स्टेटमेंट बन के आएगी वो भी ट्रू होगी, हाँ या ना। इक्वल होंगे मतलब दोनों साइड इक्वल होगी ना, जो भी चेंज करूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना है, हाँ या ना। हाँ जी। अब देख मैंने क्या किया, इसके अंदर जहां जहां पे बी आ रहा है वहां वहां पे माइनस बी रख दिया, तो तब भी ट्रू आएगा, दोनों साइड चेंज करूंगा। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे करना है चेंज, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, हाँ या ना। यस सर। तो तीनों जगह बी की जगह क्या रखना है अपने को, माइनस बी, माइनस बी। तो देखो क्या जाएगा, ये साइन ए बी की जगह माइनस बी आया, तो ओवरऑल क्या बन गया, ए माइनस बी, हाँ या ना। क्लियर हुआ सबको? यस सर। राइट। अच्छा अब आगे, यहाँ पे साइन ए एज इट इज, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, तो कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए एज इट इज, और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस बी। अब ध्यान से देखो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस बी आ जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन। तो ये जो माइनस बार आएगा, ये माइनस बार आके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका गायब हो जाएगा, तो क्या बना मेरा, साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हाँ या ना। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। तो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला पे कैसे पहुंचे पता चला? यस सर। यस। पक्का? तो साइन का फॉर्मूला क्या है, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, और माइनस के पहले जो टर्म आएगी उसके अंदर पहले साइन आएगा, दूसरी वाली के अंदर साइन ऑफ सेकेंड एंगल आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट। अच्छा आप देखो जरा इसका एग्जांपल, अब एक और नया एंगल ऐड होने जा रहा है सेंटर टेबल में, क्या चीज, साइन 15 डिग्री। तो कैन आई राइट दिस एज साइन 45 - 30 डिग्री? हाँ जी। यस सर। यस सर। राइट। अच्छा 45 को मैं ए लेके जाऊंगा, 30 को बी लेके जाऊंगा, हाँ या ना। यस। तो क्या बन जाएगा जी, साइन ए, साइन ए का मतलब 45 डिग्री, तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी, माइनस का माइनस, कॉस ए साइन बी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, तो दैट इज √3 - 1/√2। तो ये वैल्यू आई साइन 15 डिग्री की। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? नेगेटिव वाला क्लियर हुआ कैसे आया? एग्जांपल नोट करो, जल्दी नोट करो, शाबाश। किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। कनाफ बाबा क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो। चलो अब आगे देखो जरा, अब क्वेश्चन मतलब अगला फॉर्मूला जो आ रहा है, फिर वो वापस आएगा साइन से। अब मैंने फिर से साइन ए प्लस बी लिया, क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को चाहिए कॉस ए प्लस बी, तो मेरे को कॉस ए प्लस बी कैसे मिलेगा साइन से? देखो साइन कॉस में कब कन्वर्ट होता है, जब 90 + θ होता है, हाँ या ना। राइट। yes, yes, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके मेरे को 90 चाहिए, तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे ए आ रहा है वहां वहां पे डाल दिया 90 + a, समझे। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों की जगह। हाँ जी, दोबारा बताने की क्या किया आपने? मैं बोल रहा हूँ मेरे को साइन की जगह चाहिए कॉस, तो साइन कॉस में कब कन्वर्ट होता है, जब साइन 90 + θ होता है वो कॉस थीटा बन जाएगा, हाँ या ना। साइन 90 + θ वर्टिकल एंगल रूल, वर्टिकल एंगल के कारण साइन कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा। यस सर। ठीक है, याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर 90 चाहिए ना मेरे को,
तो 90 लाने के लिए मैंने क्या किया, a की जगह डाल दिया 90 प्लस a, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देख, देख यहां पे यहां पे यहां पे तीनों जगह क्या आ जाएगा 90 प्लस a, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, साइन 90 प्लस a, ये b एज इट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस a, ये cos b एज इट इज प्लस cos 90 प्लस a, ये साइन बी एज इट इज, हाँ या ना, कना समझा? यस सर। राइट, अब ध्यान से देखो, इसको थीटा लेके जाओ तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ए कॉस ए, ये कॉस बी एज इट इज प्लस साइन बी एज इट इज, व्हाट इज कॉस 90 प्लस ए, सोच के बोलना, व्हाट इज कॉस 90 प्लस ए, साइन ए, मैंने फिर बोला सोच के बोलना, माइनस साइन ए, क्योंकि 90 प्लस ए सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है, तो अब इसका माइनस साइन ए आएगा, कहना समझ आया? यस सर। तो यहां पे आएगा माइनस साइन ए, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस साइन ए, तो फॉर्मूला बन गया ये, तो कॉस ए प्लस बी का सिमिलरली फॉर्मूला क्या गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे दो कॉस की टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, फिर दो साइन की टर्म्स का प्रोडक्ट, और बीच में माइनस, तो प्लस में माइनस आ रहा है। हाँ जी, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस, किसी को डाउट आ रहा है, हल्का सा भी नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो प्लीज बताओ। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है? सर वो 90 प्लस से के बाद, सर हम 90 माइनस ए भी तो ले ही सकते थे, वो भी तो वर्टिकल, एक सुन मेरी बात, सुन सुन सुन, 90 माइनस से लेता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, हाँ या ना? सर रिपीट करने एक बार, मैं बोल रहा हूँ अगर 90 माइनस ए लेता तो यहाँ पे 90 माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी आ जाता। यस सर, मेरे को ए प्लस बी चाहिए, तो माइनस ए प्लस बी को मैं ए प्लस बी में कैसे कन्वर्ट करूं, प्रॉब्लम? ओके सर, तो इसलिए ए की जगह, देखो अगेन मेरी बात सुनो, ये प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा तुम्हें स्कूल में, ये प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है, आया कहां से ये वो चीज मैं बता रहा हूं, बट ये प्रोसेस कोई नहीं पूछेगा, तेरे को सिर्फ ये याद रखना है, एट द एंड रटना ना पड़े, इसलिए ये प्रोसेस बता रहा हूं, बात समझ रहा है? यस सर। हाँ, अब देखो जरा, अब इसी का इंप्लीमेंटेशन, That is cos, let's say 75 degree की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, cos 45 degree plus 30 degree, हाँ या ना? That is 75 degree, तो अब ये फॉर्मूला लगाओ, a b, तो फर्स्ट एंगल का cos, तो that is cos 45 degree, सेकेंड एंगल का cos, यानी कि cos 30 degree, माइनस फर्स्ट एंगल का cos, cos 40, सॉरी sin, sin of first angle, sin 30, sin 45 degree, into sin of second angle, that is sin 30 degree, so 1 by root 2 root 3 by 2 minus 1 by root 2 1 by 2, so that is root 3 minus 1 by 2 root 2, haan ji, please confirm karo, clear hua? Yes sir. Rakshit, clear hua abhi? Yes sir. Sure? Yes sir. देख लो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। सर हाँ जी, सर जो आसन ने फॉर्मूला बनाया वहां पे cos 90 प्लस a लिखा, तो वो माइनस साइन होता कहाँ पे? सर जहाँ से फॉर्मूला नहीं बनाया, जो आपने सर्कल किया हुआ राइट साइड cos 90 प्लस a ऊपर, हाँ जी ये इक्वेशन में साइन 90 प्लस a है भाई, उस तरफ दूसरी तरफ, हाँ ये तो cos 90 प्लस a माइनस साइन ही होता, हाँ हाँ डाउट आ रहा है, 90 प्लस a तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता, मेरे को एक चीज बता, किसी भी मशीन का आउटपुट जो होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है या आउटपुट पे डिपेंड करता है? अच्छा अच्छा ओके सर, आ गया, वो बताया था अपने, आ गया, तो पहले cos का साइन देखना, साइन का साइन नहीं देखना, ओके सर अब क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हाँ जी, अभी दोबारा देख लो कहीं पे डाउट है तो, sin 70 cos 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। अगर ये क्लियर है
हाँ जी बोलो सर, ये माइनस साइन के बता दो सर कैसे आया माइनस साइन ए? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना? यस सर, 90 प्लस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस, और 90 इज वर्टिकल एंगल तो वर्टिकल के कारण कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। ओके पक्का? यस सर। हाँ अब देखो, अगर ये क्लियर है ये नोट करो, देन इसके साथ तुम्हें कॉस 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। विद द सेम वे यू विल राइट इट एज कॉस 60 प्लस 45, फिर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। जल्दी करो, शाबाश, आ जाओ स्टार्ट करो। देखो अब अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, तो क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो याद आएगा 1 माइनस √3/2√2। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, अब मेरे को अगला फॉर्मूला क्या चाहिए? देखो सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला देखा? साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस बी, अब उसके बाद कॉस ए प्लस बी, अब कौन सा चाहिए? कॉस ए माइनस बी। अब याद करो साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी कैसे आया था? साइन ए प्लस बी से साइन ए माइनस बी कैसे निकाला था? बी की जगह माइनस बी पुट करके। तो यहां से भी कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी कैसे आएंगे? बी की जगह, बिल्कुल बी की जगह माइनस बी सब्स्टिट्यूट करके। तो यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो क्या बन जाएगा जे? कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। हाँ जरा प्लीज कंफर्म करो, सारे क्लियर है? राइट yes, right? अच्छा अब देखो जरा, अब क्या बना जे? कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस माइनस बी इज व्हाट? कॉस माइनस बी क्या होता है? कॉस बी। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा साइन का यहां पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन ए साइन बी, तो कॉस के फॉर्मूला के अंदर क्या होता है? प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम है। हाँ है ना? यस सर। राइट, तो कैन यू यूज इट टू कैलकुलेट कॉस 15 डिग्री दैट इज कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री? हाँ या ना, कर सकते हो ये फॉर्मूला? yes, ये नोट करो, फोर्थ फॉर्मूला ये नोट करो और ये करो, जल्दी निकालो वैल्यू, शाबाश। तो क्या चीज आ रही है जे? दैट इज कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, तो क्या आ जाएगा? √3 + 1/2√2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, क्या बोल रहा है वो? साइन ए इज 3/5 एंड कॉस बी इज 12/13, ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बी belongs to fourth quadrant. वो बोल रहा है find sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b. ठीक है, बात समझे क्या करना है? ठीक है, अब ये पूरी चीज करनी कैसे है, अब मैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? साइन ए प्लस बी, तो दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि मेरे को किसकी किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए की दे रखी है, कॉस बी की दे रखी है, कॉस ए साइन ए से कॉस ए निकालना है, अब कॉस साइन बी कॉस बी से साइन बी निकालना है। अब आई होप याद आया कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटीज को यूज करके क्वाड्रेंट के वाइज साइन भी लेते हैं। हाँ या ना?
याद आ रहा है? यस सर। अब जैसे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मैं करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज वन, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दैट इज नथिंग बट वन माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5, तो इधर आ गया 3/5 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम लेके जाइए इधर, तो 25 माइनस 9/25, तो दैट इज 16/25, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई 16/25, तो दैट इज स्क्वायर रूट लो, तो कॉस ए इज प्लस माइनस 4/5, हाँ या ना? यस राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो एक्चुअली में यहां पे वैल्यू आएगी माइनस 4/5। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, सिमिलरली यहां पर मैं निकालूंगा साइन बी, तो साइन बी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर निकालोगे तो आ जाएगा -5/13। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ आइडेंटिटी लगा के? यस सर। यस सर। राइट, अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है? चारों के चारों जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी करो। हाँ जी ध्यान से देखना, अब इसकी वैल्यू पुट करके क्या चला गया, साइन ए 3/5 इंटू कॉस बी 12/13 प्लस कॉस ए -4/5 इंटू साइन बी -5/13, तो 36 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 20 डिवाइडेड बाय 65, तो दैट इज 56/65, हाँ या ना? यस सर। राइट, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट, तो वैल्यू पुट करके यही वाली वैल्यू देंगे, बीच में प्लस की जगह माइनस आएगा, तो क्या बन जाएगा 36/65 माइनस 20/65, तो दैट इज नथिंग बट 16/65, हाँ है ना? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नो व्हाट इज कॉस ए -4/5, व्हाट इज कॉस बी 12/13 माइनस, व्हाट इज साइन ए 3/5, व्हाट इज साइन बी -5/13, तो -48/65 माइनस -15/65, तो दैट इज -48 + 15/65, दैट इज -33/65, तो दिस इज योर कॉस ए प्लस बी, हाँ या ना? राइट, नाउ कॉस ए माइनस बी, यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये, और बीच में प्लस आएगा और ये, दैट इज -48/65 बीच में प्लस, एंड इधर आ जाएगा -15/65, तो दैट इज नथिंग बट दोनों एड होके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -63/65। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कनाफ क्लियर हो रहा भाई? यस सर। राइट राइट, ठीक है, अब देखो तुम्हारा होमवर्क है आरडी 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, दैट्स इट, प्लस ये जितना भी हमने फॉर्मुलाज किया, सीरियसली इस चीज पे मैं बहुत सीरियस हूं, ये कल सबका चेक करूंगा मैं, ठीक है? चारों फॉर्मुलाज जो हमने चार फॉर्मुलाज आज किए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, चारों फॉर्मुला तुम्हें पांच पांच बार लिखने, एक फॉर्मुला पांच बार, अगला फॉर्मुला पांच बार, ये कल मैं चेक करूंगा, याद रखना, इसके बिना नहीं आगे जाएंगे, ठीक है? प्लस ये सिर्फ तीन क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, हो जाएगा? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। चलो डन। थैंक यू, कल मिलते हैं।